Mama. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके औरंगी टाउन में। और ये है औरंगी टाउन का इस्लाम चौक, मशहूर ज़माना। औरंगी टाउन जो है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त इलाका है। उसकी वजह ये है कि भाई, पाकिस्तान जब बना तो जो लोग बिहार से, इंडिया के बिहार से हिजरत करके आए, वो औरंगी टाउन में आबाद हुए। और उसके अलावा 1970-71 में ईस्ट पाकिस्तान से बहुत सारे लोग यहाँ पर आके आबाद हुए। तो हमारे बिहारी और बंगाली भाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो औरंगी टाउन में आबाद है। एक ज़माने तक औरंगी टाउन जो है ना, वो दुनिया की बड़ी कच्ची आबादियों में शामिल था। 24 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है इस इलाके की पूरी। हम यहाँ पे आए हैं भाई स्पेशली यहाँ पे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हमारे एक बहुत पुराने यूनिवर्सिटी के दोस्त यहाँ औरंगी टाउन में रहते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक पाए मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, और वो कचौरी के साथ खाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक मुर्ग छोले वाला भी है। और देखेंगे कि औरंगी टाउन में सुबह सुबह क्या हो रहा है और आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर चले म्यूजिक। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है भाई। ये हमारे दोस्त हैं अकरम भाई। अकरम भाई जो है वो बाय प्रोफेशन टीचर हैं, इसके अलावा भी ये बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। और माशाल्लाह इनके आबा और अजदाद भी जो है वो बिहार से है। ये शहीद के पाए हैं, शहीद के पाए हैं भाई। ये यहाँ पे भी काफी रश लग रहा है और सामने हलवा पूरी भी बन रही है। ये है भाई शहीद के पाए, और हम जा रहे हैं इब्राहिम के पास। इब्राहिम के पास कैफे अकबर है ये, है अकरम भाई? मशहूर इब्राहिम के, इब्राहिम के नाम से मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कचौरियाँ बन रही हैं पाए के साथ खाने के लिए, ज़बरदस्त। सुबह सुबह का माहौल बना हुआ है भाई, कचौरियाँ बनती जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कितनी पुरानी दुकान है ये? ये 74 से, दादा के टाइम से चलते आ रहे हैं। 1974 से? तो ये आप लोगों ने जो है वो शुरू से पाए ही बेच रहे हैं या कैसे? हाँ, शुरू से ये पाया कचौरी होता था हमारे पास, इसके अलावा शाम में बिहारी कबाब होता है। अच्छा, तो ये पाए जो है 12 महीने होते हैं? जी बिल्कुल, 12 महीने होते हैं। 12 महीने? जी बिल्कुल। अच्छा, वेरी नाइस यार। तो ये कचौरियों से, शुरू से कचौरियों से दे रहे हैं या पहले रोटी होती थी? आप नहीं, शुरू से बस सिर्फ कचौरी, कचौरी और पाए, कचौरी और पाए। क्योंकि पाए का ज़्यादातर ट्रेंड है वो रोटी के साथ खाने का है ना? नहीं नहीं, यहाँ पे कचौरी के साथ, यहाँ पे औरंगी टाउन में कचौरी के साथ ज़्यादा खाते लोग। ये हलवा पूरी भी है। ये बना हुआ है भाई पाए का सीन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? खैरियत से? ज़बरदस्त। ये भाई इस पाए का सीन बना हुआ है, बहुत ही आला। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है पाए की, है भाई? मैं प्रेजेंट दे रही हूं, मैं फैन हो गए 5 साल से खा रहे हैं। 5 साल से मेरे कॉलेज के टीचर खा रहे हैं। 5 साल से खा रहे हैं? आपका नाम क्या है? इस्लाम। इस्लाम, इस्लाम भाई आप कब से हैं दुकान पे? 20 साल हो। तो आप ही बनाते हैं पाए? जी मैं। तो कितना टाइम लगता है पाए का, क्या प्रोसेस होता है? कम से कम 12 घंटे। 12 घंटे? तो सुबह में ही होते हैं सिर्फ पाए, रात में नहीं होते ना? नहीं, तो रात भर पकाते हैं इसका मतलब? जी मेरे वालिद साहब। आप होते हैं और आपके वालिद साहब हैं? मेरे वालिद साहब हो गया। अच्छा, आपके वालिद साहब ने शुरू किया था, तो नस्ल दर नस्ल चल रहा है माशाल्लाह। फट गया तो हम क्या करें? तो ये जो माशाल्लाह इतना रश है, मशहूर है, क्या इसका सीक्रेट क्या है, आपका राज क्या है? जायका है, जायका की वजह से। तो जायका कैसे आया है आप बताए ना? ये अपना मसाला तैयार करते हैं हम लोग, अपने मसाले से बनाते हैं। सीक्रेट मसाले इसका मतलब है? तो आपके वालिद साहब का पहले भी यही काम था, खाने पीने का? अच्छा, इंडिया में कौन से? इंडिया में कलकत्ता। कलकत्ता में? अच्छा अच्छा। उसके बाद बांग्लादेश।
उसके बाद बांग्लादेश, तो फिर यहाँ पे 70s में आए यहाँ पे, तो यानी पाए का ही काम था उनका शुरू से। अच्छा अच्छा, कलकत्ता फिर बांग्लादेश फिर पाकिस्तान, वेरी नाइस। दुकान तो 74 से है लेकिन जो टेस्ट है वो मेरे ख्याल में 100 साल पुराना है, ये कह सकते हैं आप। हैं इस्लाम भाई, ये जो गोश्त है ये अलग रखते हैं और सालन अलग रखते हैं? जी। तो ये बनता साथ में है या साथ बनता? बनता साथ, बाद में अलग कर लेते हैं। बाद में अलग करते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा होता है ना, किसी को कोई बोटी देनी है किसी को उसके हिसाब से। भाई बहुत ही ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है यहाँ पे तो, और पाए जो है ना वो वहाँ पे पार्सल भी होते जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग पार्सल लेके जा रहे हैं यहाँ पे। आज इतवार का दिन भी है, पूरियाँ भी हैं, कचौरी भी है, पाए भी हैं, और कचौरी के साथ पाए खाने का ये मेरा पहला इत्तेफाक होगा, क्योंकि मैंने पाए जब भी खाए तो मैंने तंदूरी रोटी के साथ खाए। पाए हमारे आ गए हैं भाई, एक प्याला कितने का है ये? 110 रुपये का। ये फुल प्याला जो है वो 110 रुपये का है। कचौरी कितने की होती है? 8 रुपये की एक कचौरी, 8 रुपये की एक कचौरी, और ये फुल प्याला 110 रुपये का। कचौरी के साथ पाए खाने का हमारा आज ये होगा पहला तजुर्बा। अकरम भाई बिस्मिल्लाह कीजिए। कचौरी बहुत गर्म हो रही है, थोड़ी ठंडी हो जाए। देखो ये क्या है? अच्छा ये आलू चने की तरकारी, आलू चने की तरकारी भी आ गई है भाई हमारी। ये हमारे लिए भाई बड़ा ये स्पेशल ये आया है, 110 रुपये का ये पाए का प्याला है। नल्ली का गूदा वूदा भी इसके ऊपर डला हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। पाए और कचौरी फर्स्ट टाइम औरंगी टाउन की स्पेशल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसा लगा दिया भाई आपको? मज़ा आ गया यार भाई। मैंने तो जब भी खाई है ना पाए के साथ तंदूरी की रोटी खाई है, कचौरी जब भी खाई है तरकारी के साथ छोलों के साथ खाई है, लेकिन पाए के साथ कचौरी जो है ना वो ये एक तो पाए का अपना जायका बहुत ही ज़बरदस्त है, और कचौरी के साथ भी ये बहुत ही मज़ा दे रही है यार, गरम गरम कचौरी के साथ पाए। तो भाई पाए खाने में और आम खाने में जो है ना वो कोई शर्म नहीं होती उसमें, आपके हाथ हाथ जो है ना वो आपके जब तक सालन के अंदर नज़ाकत नहीं चाहिए, पाए के अंदर जो है ना फुल ऑन, बहुत ही ज़बरदस्त पाए हैं भाई नो डाउट। और सुबह सुबह इस माहौल के अंदर गरम गरम कचौरी के साथ खाने का जो मज़ा आ रहा है ना, अरे हलवा भी आ गया भाई, हलवा भी आ गया है। 110 रुपये का पाए का ये प्याला मेरे ख्याल में इतना बड़ा है कि दो लोग आराम से इसमें पेट भर के खा सकते हैं। आम जगहों के हिसाब से यहाँ पर रेट भी काफ़ी ज़्यादा कम है, मुनासिब है, और बहुत ही ज़बरदस्त यार भाई। ये इनके जो है ना वो छोले और तरकारी जो है ना उसका भी सालन है ये। बिस्मिल्लाह। पूरी भी आ गई है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त गर्मा गर्म पूरी। ओहो फूली फूली पूरी। असल में जो है ना वो बात ये होती है कि हाथ हाथ के जायके की भी बात होती है, रीजन वाइज भी जायके चेंज होते जाते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके जो दादा हैं वो कलकत्ता और फिर बांग्लादेश, तो इस जो तरकारी के अंदर पाए के अंदर कचौरी के अंदर जो जायका है ना वही जायका उसके अंदर आ रहा है। थोड़ा सा जो तरकारी है वो थोड़ी सी स्पाइसी है, हल्का सा इसके अंदर स्पाइसी टच है जो कि बहुत ही मज़ा दे रहा है। हरी मिर्ची भी इसके अंदर पड़ी हुई हैं, बहुत आला। क्या बस कर दिए आप? हलवा पूरी नहीं खाए हैं? बिल्कुल नहीं खाए, अभी खा रहे हैं भाई। तकल्लुफ करने का नहीं है अकरम भाई, ये चीज़ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दिया भाई, बहुत बहुत बढ़िया अकरम भाई, बहुत सही जगह लाए आप, क्या बात है। हाँ भाई, अब वापस हम पहुंच चुके हैं इस्लाम चौक के ऊपर, और यहाँ पे ये कूजी हलीम बना हुआ है जिसमें हलीम शाम में होता है और सुबह में मुर्ग छोले होता है, जो हम अभी ट्राई करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अंदर जाएं, आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि आप ज़रा नीचे देखिए तकरीबन 1 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स बचे हैं, तो जितने लोग देख रहे हैं अगर सब सब्सक्राइब कर देंगे तो भाई 1 मिलियन का मार्क जो है ना वो हमारा माइलस्टोन वो अचीव हो जाएगा। तो ज़रा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर हम ज़रा मुर्ग छोले ट्राई कर लें। चले सलाम अलैकुम, कैसे हैं? नहीं भाई, ये कूजी हलीम कब खुला? ये औरंगी टाउन में
टाउन में तकरीबन 2.5 साल होने वाले हैं। 2.5 साल जी। तो ये तो कुजी हलीम लाहौर में भी है ना? लाहौर में भी है, ये मुल्तान में भी है। वही वाला है ये? जी वही वाला है। या नाम वो है या चेंज है? नहीं नहीं वही है। अच्छा वो है। अच्छा ज़बरदस्त। हलीम रात में होता है, सुबह में हलवा पूरी, और सुबह में हलवा पूरी, मुर्ग छोले वगैरह, नान। मुर्ग छोले कहाँ हैं? ये है मुर्ग छोले। कहाँ है इसमें मुर्ग? मुर्ग की यखनी बनी हुई है ना? अच्छा, मुर्ग की यखनी होती है, मुर्ग नहीं होता इसमें? हाँ, मुर्ग होता है लेकिन नहीं चलता, नहीं बोल्टी नहीं होती। हाँ, चलता नहीं है ज़्यादा। हाँ, अच्छा, यानी छोला छोले जो है, छोले हैं वो मुर्ग की यखनी में बने हुए। अच्छा, ये यखनी है भाई, इसको फिर छोलों में मिला के देते हैं। छोते हैं मुर्ग छोले? बहुत बेहतरीन है, छोते हैं ज़बरदस्त। हमें आपका यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब किया। ओहो, ये वही वाले नान बन रहे, मुल्तान वाले, पंजाब वाले नान बन रहे हैं क्या? वही नान है। हाँ यार, शक्ल से तो वही लग रहा है यार। ये वो तंदूरी रोटी नहीं है, ये नान है भाई। ओहो, नान चने। ओहो, ये है, ये होते हैं नान, मॉडल कॉलोनी के नान और चने। वाह अकरम भाई। हाँ माशाल्लाह भाई, ये जो जो नान और चने आए हैं ना, ये असल में स्पेशलिटी है पंजाब की। ये है भाई मुर्ग चने, रोगनी नान और मुर्ग चने। बिस्मिल्लाह। मुर्गी की जो यखनी की एक ख़ास खुशबू और ज़ायका है वो इसमें आया है खाते ही। रोगनी नान भी बहुत ही गरम गरम, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है भाई। और यहाँ पे आप ये देखें, इन्होंने ये हमको हलवा भी दिया हुआ है भाई। हलवे के ऊपर काजू बादाम पिस्ते वगैरह भी पड़े हुए हैं, और यही हलवा जो है वो हलवा पूरी के साथ भी चल रहा है। अच्छा भाई, ये जो कुजी पकवान हाउस है ना, इनका सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो है हलीम। लाहौर में एक बहुत मशहूर कुजी हलीम है, वहाँ पे ये जो नईम भाई ना, वहाँ पे इन्होंने काम किया हुआ, वहीं से सीखा है। तो यहाँ पे ये न्यू कुजी हलीम है, ये उनकी ब्रांच नहीं है लेकिन उन जैसा ही हलीम है ये। और मुल्तान में भी इनका हलीम का ही काम है। इसी दिन रात में आएंगे इंशाल्लाह, तो हलीम भी ज़रूर ट्राई करेंगे भाई। कुजी हलीम से मुर्ग छोले खा के हम जो है ना, ये भाषानी स्वीट्स के ऊपर आ गए हैं। और यहाँ पे भी जो है ना, ये कचौरी का फुल सीन बना हुआ है। कचौरी बहुत ज़्यादा चलती है औरंगी टाउन के अंदर, और भाषानी स्वीट्स जो है ना, वो उनकी जो बंगाली मिठाइयाँ होती हैं, भाषानी स्वीट्स पे होती है ज़्यादातर बंगाली मिठाइयाँ, और वो जो चमचम होती है, ढाका चमचम, ये सब बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और कचौरियों का सीन भी ज़बरदस्त बना हुआ है। अच्छा, ये सीनियर कारीगर, ये होटल सबसे सीनियर कारीगर वो है? अच्छा अच्छा अच्छा, 35 साल हो गई। अच्छा माशाल्लाह, 70 साल उम्र है, 75। माशाल्लाह माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। कैसे? माशाल्लाह, 6 नवासा है, 2 बीवी है। 6 नवासा है, 2 बीवी है, एक पठानी है और एक बिहारी है, कराची वाला आ रही है जा रही है। अच्छा, एक एक पठानी है, एक बिहारी है, माशाल्लाह। और अभी तीसरा से भी लव कर चल रहा। अच्छा अच्छा, आपकी कितनी है? आपकी कितनी है? नहीं, मैं तो अभी 12 साल का हूँ। सलाम वालेकुम रियाज भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से यहाँ के? अच्छा रियाज भाई, ये कचौरियों पे तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रश लगा हुआ है, क्या ऐसा क्या सीक्रेट है इसका? अभी आवाम बता सकते हैं आपको इसमें क्या? आवाम बता सकती है। तो ये कचौरियों के साथ तरकारी है, और मिठाइयों में आपकी स्पेशल मिठाई कौन सी है? सारी मिठाई हमारी। अभी हमें कोई मिठाई खानी हो खास, बंगाली मिठाई, ढाका चमचम, ढाका चमचम ना, ढाका चमचम भाई बहुत ही आला होती है भाषानी स्वीट्स की, मैं बहुत अच्छे से खा रहा हूँ। रियाज भाई, ये बताएं कि ये जो भाषानी लफ्ज़ है ये कहाँ से आया है? ये क्या हमारा अपना लफ्ज़ है, ये हमारा पहचान है भाषानी। बांग्लादेश में भी हमारी दुकान की तो भाषानी हमारी है। अच्छा, बांग्लादेश में भाषानी के नाम से? हाँ, हमारी दुकान बांग्लादेश। अच्छा, वहीं से ये नाम चलता हुआ है। ये सारी बंगाली मिठाइयाँ कहलाती है ना, बंगाल की स्पेशल खास। ये है भाई कच्चा गुला, ये है गुलाब जामुन। अच्छा, ये भी इसके ऊपर भी वो है, ये रसगुल्ला, और ये है ढाका चमचम।
ये देखें आप, ये इसकी भी मुख्तलिफ वैरायटीज यहाँ पर रखी हुई हैं, काफ़ी सारी मिठाइयाँ हैं। हाँ ले, बहुत शुक्रिया। ये आ गए भाई हमारी मिठाई। भाई औरंगी टाउन आए और असली बंगाली मिठाइयाँ ना खाएं तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। और ये जो है ना, ये ढाका चमचम, ये नाम ही ढाका के नाम से मंसूब है। ये बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई होती है ये। इंतहाई फ्रेश, बहुत पसंद है मुझे ये भाई। जैसे रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ला वो उसके अंदर दूध वगैरह होता है, ये होता है कच्चा गुल्ला। और कच्चा गुल्ला इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर चीनी वगैरह नहीं डलती और दूध वगैरह दूध से बनता है ये, दूध अलग से नहीं, शीरा नहीं डलता है इसके अंदर। ये देखें आप, ज़बरदस्त, इतना नरम और मुलायम होता है ये, बहुत ही सॉफ्ट, ख़राब हो जाता है जल्दी। सिर्फ दूध की जो अपनी मिठास है ना वो इसके अंदर है, और इंतहाई नरम मुलायम सॉफ्ट, शुगर वालों के लिए स्पेशली ये है, बहुत ही ज़बरदस्त। ओके भाई, तो इसी के साथ हमारी आज इस मज़ेदार सी औरंगी टाउन की वीडियो का इख्तिताम हुआ। औरंगी टाउन में और भी मज़े की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हम एक्सप्लोर करते रहेंगे। आज की ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझको ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दें, क्योंकि सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।